हेलो गाइस, वेलकम टू डिज्नी मल्टी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डिज्नी प्लस से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आप सभी जानते हो कि डिज्नी प्लस ऑफिशियली मोबाइल के लिए, यानी कि उसका ऐप आ चुका है, ऑफिशियली वेबसाइट आ चुकी है उसकी, और काफी सारे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो चुका है और कुछ कंट्रीज में, पर इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है। पर कुछ फैन के मन में सवाल है कि इंडिया में कब लॉन्च होगा डिज्नी प्लस, उसी के साथ जो उस पर टीवी सीरीज आएंगी, जो मूवीज आएंगी, वो हिंदी में रिलीज होंगी या नहीं। तो ये काफी सारे क्वेश्चन थे जो कि लोग मुझसे डीएम करके पूछ रहे थे, कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्वल ने अभी हाल ही में जो टीवी सीरीज अनाउंस करी, जिसमें कि वांडा विजन, फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, हॉकआई, लोकी और भी जो काफी सारी टीवी सीरीज है, वो हिंदी में रिलीज होंगी। जी हाँ, जब डिज्नी प्लस की बात चल रही थी, जब डिज्नी ने डिसाइड करा था कि ऐसे करके एक स्ट्रीम सर्विसिंग बनाई जाए, तो उन्होंने काफी बड़ा एक इवेंट करा और उस इवेंट में उन्होंने हॉटस्टार के साथ कोलैब करा। और जो भी टीवी सीरीज आएंगी, जो भी मूवीज आएंगी, वो सारी की सारी हिंदी में डब होकर हमें हॉटस्टार पे दिखाई जाएंगी। जी हाँ, अब डिज्नी प्लस जब लॉन्च हुआ तो ये काफी सारी चीजें किसी को नहीं पता चली थी, पर हॉटस्टार ने एक ट्वीट भी करके ये बोला कि मैं वर्क कर रहा हूँ डिज्नी प्लस के साथ और जो टीवी सीरीज पे काम चलेगा, जो आएंगी, वो सारी हॉटस्टार पे स्ट्रीमिंग होंगी। अब काफी लोगों के पास हॉटस्टार का तो सब्सक्रिप्शन होगा VIP का, पर मेरे हिसाब से मैं अभी आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि अभी आप सब्सक्रिप्शन ना लें जब तक कि 2020 स्टार्ट नहीं हो जाता, क्योंकि 2020 में ही टीवी सीरीज आना स्टार्ट होंगी। और साथ ही साथ डिज्नी प्लस पर जितनी भी मूवी आई है उसकी मैंने पूरी लिस्ट बनाकर मार्वल की अपने यूट्यूब कम्युनिटी ऐप पर डाल दी है। और काफ़ी फैन ने पूछा था कि भाई स्पाइडरमैन मूवी का क्या हुआ, तो एक्चुअल में डिज्नी प्लस को भी स्पाइडरमैन का लाइसेंस नहीं मिला है, इसलिए स्पाइडरमैन मूवी डिज्नी प्लस पर नहीं आएगी जब तक लाइसेंस नहीं मिल जाता। और बाकी जितनी भी टीवी सीरीज है, जितनी भी मूवीज है, वो सारी हिंदी में डब होकर हमें हॉटस्टार पर देखने को मिलेंगी। तो काफी ज्यादा मजे आने वाला है। और जो ऑफिशियली ऐप होगी वो शायद इंटरनेशनल के हिसाब से शायद मार्च को लॉन्च होगी। तो पर देखना क्या है कि अब क्या होगा फ्यूचर में और कौन कौन सी टीवी सीरीज आएंगी। और ये रहा वो ट्वीट जो कि हॉटस्टार ने कहा था कि मैं काम कर रहा हूँ डिज्नी प्लस के साथ हिंदी डबिंग के लिए, और वो जल्दी से अनाउंस भी करेंगे इसे ऑफिशियली। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको जो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देखो, या तो उस पर ध्यान उसके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको बता दूँ, कैप्टन अमेरिका रिटर्न हो रहे हैं, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो जरूर आएगा। Hello।